संदेश आते हैं। गदर 2 की जबरदस्त सफलता के बाद अब सनी देओल अपनी अपकमिंग फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। फैंस फिल्म से जुड़े अपडेट को जानने के लिए बेताब थे और इसे लेकर यही जानकारी सामने आई है। बता दें कि बॉर्डर 1997 सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दिया था। देशभक्ति से भरे इस मूवी को दर्शकों ने खूब पसंद किया और अब बॉर्डर 2 के बारे में जानकर फैंस खुश हो जाएंगे। अब बॉर्डर 2 को लेकर सनी देओल ने एक बड़ा अपडेट दिया है जिसे जानकर फैंस खुश हो जाएंगे। बॉर्डर की 27वीं सालगिरह पर सनी देओल ने वीडियो शेयर कर ये जानकारी दी। सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर लिखा, एक फौजी अपने 27 साल पुराने वादे को पूरा करने के लिए आ रहा है फिर से। भारत की सबसे बड़ी युद्ध फिल्म बॉर्डर 2 का निर्माण कुलभूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता करेंगे। वहीं इसका निर्देशन अनुराग सिंह करने वाले हैं। पोस्टर पर यूजर्स कई सारे रिएक्शन दे रहे हैं। बॉर्डर 2 में कौन कौन होंगे इसे लेकर मेकर्स ने अभी तक कोई भी जानकारी शेयर नहीं की है। इस पर सस्पेंस बरकरार है। पोस्ट पर यूजर्स तेजी से रिएक्ट कर रहे हैं। एक मीडिया यूजर्स ने लिखा, अब आएगा ना मजा, हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक यूजर्स ने लिखा, इंतजार है। गौरतलब है कि बॉर्डर में सनी के अलावा सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना, कुलभूषण खरबंदा, पुनीत इसर, राखी, पूजा भट्ट ने काम किया था। वही दोस्तों आपको बता दें कि सनी देओल इस समय फिल्म लाहौर 47 को लेकर भी काफी ज्यादा सुर्खियों में है और इस फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी खत्म हो चुकी है। और सनी देओल के साथ इस फिल्म में प्रीति जिंटा नजर आने वाली है और ये फिल्म आमिर खान के प्रोडक्शन बैनर के तहत बनाया जा रहा है। फिल्म को अगले साल रिलीज करने की प्लानिंग है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि सनी देओल अपने 2 सूर्य बाप, जन्मभूमि रामायण, इन सभी बड़ी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि सनी देओल फिल्म सफर की शूटिंग में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि सनी देओल ने हाल ही में फिल्म सफर की शूटिंग भी खत्म की है और ये फिल्म इसी साल रिलीज की जाएगी। फिलहाल दोस्तों आप बॉर्डर 2 देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कॉमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। बॉलीवुड की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।